गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे जैसे कि मैं हूँ, एकदम परफेक्ट। अच्छी सी नींद आई है और अच्छे से मूड में हूँ। तो पहले ज़रूरी है अच्छा मूड होना और मेरा मूड बहुत अच्छा है। और जैसे कि आपको पता है दीवानियाँ शुरू हो रही है, तो मेरी मॉर्निंग आज लेट होगी कि मैं नहाई नहीं होती, तो क्योंकि मैंने सफाई करने के लिए किसी को बुलाया था। मैंने कहा अपना गार्डन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा हो गया था तो उसको क्लीन करवाना था, लेकिन जिसने करना था वो बहुत लेट आए। दोस्तों मैं मोटी हो गई हूँ, मेरा फेस देखो कितना बड़ा हो गया। मैं भी देख रही हूँ बात पीछे करने से फेस कितना बड़ा हो रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। ये भी इतना बड़ा हो गया, चलो खैर फिर क्या हो गया, पतली हो जाऊँगी। तो दोस्तों मेरी दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई है, मतलब आज शुरुआत हो गई है। थोड़ा थोड़ा गार्डन ऑर्गेनाइज कराता हूँ, है ना। अभी इतना सारा कबाड़ा निकाला है इन्होंने, क्या क्या पड़ा हुआ है गार्डन, मैंने कहा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करा दो। ये थोड़ा सा देखो, एक गमले को दूसरे गमले में डाला जा रहा है। इसको पलट दे, पलट दे। फाइनली मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, और मैं देखो सुबह से मेरा मूड अच्छा था ना, तो मुझे एक खुशखबरी मिली है, तो मैं वो खुशखबरी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अभी तुषार घर पर नहीं है, तो तुषार की वेट कर रही हूँ। तुषार के सामने ही मैं वो आपको खुशखबरी बताऊंगी। तो तुषु आ गया, देख मैं तेरी कब से वेट कर रही हूँ। क्यों? सरप्राइज है तेरे लिए। अब तुझे पता नहीं वो सरप्राइज लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि सरप्राइज मेरे लिए है। तो आपसे मेरे लिए कैसे हुआ सरप्राइज? तो खुश हो जाएगा ना, तेरी मम्मा ने मेहनत करी है। क्या? ये देख। अरे वाह, आ गया आपका। हाँ। गूगल से? तो गूगल एडसेंस से मेरा पिन आ गया। खोल दूं? अरे खोल दूं? हाँ खोल ले, चारों तरफ से, चारों तरफ से खोल। हाँ, तीन साइड से, तीन साइड से उसको ओपन कर। और अरे इसे भरना भी होता है। हाँ, उसमें अभी अपडेट करेंगे ना, बैंक का नाम वगैरह। ध्यान से खोल, कैसे खोल रहा है? कैसे खोल रहे हैं? चिपका हुआ था। तुषु! अरे चिपका हुआ था ये। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन स्टेप वन। अरे कोई नहीं, स्टेप पे बताएं, पिन तो आपका ही है ना, सही सलामत। तुषु देखो खुशी हुई, मम्मी के पिन आ गया। देखो इतनी खुशी, आयरन मैन बना हुआ हो गया है, मोटा हो गया है घर बैठ बैठ के। मैं भी मोटी हो गई हूँ। तो मम्मी, अच्छा लगा ना? मम्मी रेड बटर में इतना बटर देती हैं, जो बटर मुंह से ऐसा इधर टपकता है सारी जगह से। तो पहले बताया, अच्छा हुआ ना मेरा पिन आ गया। हाँ मैंने तो लगा रहा, मैंने तो करा था इसके लिए, मुझे क्या बता रहे हो आप। एक महीने से वेट करते हैं आप, आपका जल्दी आ गया फिर भी। आ गया ना, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू ऑडियंस के लिए जो भी देखती है मम्मी का चैनल, और मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा ऑडियंस देखे और खूब सारा सब्सक्रिप्शन आए, खूब सारे पैसे आए, ताकि मैं घर पे बैठा सिर्फ खाना खाऊं और गेम खेलूं। और ये वेजिटेरियन है। हाँ ये वो है ना, सीख कबाब। सीख कबाब वेजिटेरियन। तो आप चिकन तो नहीं बनेगा ना? क्यों? चिकन बनाना। हाँ आपने बोला था ना चिकन बनाओगे आप। चिकन नहीं खराब। टन। तो देखिए मैं किचन में हूँ और आप सबका मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज मैं बनाने लगी थी चिकन, बट प्रोग्राम हो गया है चेंज, तो आज बनेगी मेरी पसंद की फिश। क्योंकि पिन तो मेरा आया है, तो आज तुषार जी हमको ट्रीट दे रहे हैं अपने हाथ से फिश बना के, और फिश का नाम है तिलापिया। दोस्तों आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी सीक्रेट रेसिपी। ये रेसिपी हमारे बाप दादा परदादा लक्कड़ दादा और पता नहीं कौन से दादाओं की से के टाइम से चलती आ रही है, और बट मुझे किसने बताया नहीं कब से चलती आ रही है। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कृपया किसी को बताइए नहीं। ओके लेकिन तो आप क्यों देख रहा है? सार्केस्टिकली नहीं देख रहा मैं आपको। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे डालोगे तो पैसे नहीं कमाने क्या?
पैसे कैसे कमाएंगे? यूट्यूब पे तो डालनी पड़ेगी ना, लोग देखेंगे तो एड्स आएंगे तो पैसे मिलेंगे। तो फिश क्लीन हो चुकी है हमारी, तिलापिया फिश बहुत ही सुंदर मच्छी है, देखने में इतनी सुंदर है, खाने पता नहीं कितनी अच्छी होगी। तो बेसिकली मैं तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेता हूँ, मम्मी ने मेरे को काम पे लगा दिया है, इसके बाद जिंजर गार्लिक और थोड़ी सी मिर्ची लेके मैं बेसिकली इसमें कूट रहा हूँ, क्योंकि मम्मी के अकॉर्डिंग इसके अंदर ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है सिलबट्टे में बजाय मशीन के। और क्या क्या डालने वाला है इसमें? पहले मैं इसके अंदर इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिश को ज्यादा वो नहीं करना, मतलब ज्यादा ऐसा नहीं कि सारे तरीके के मसाले डालते हैं, फिश के अंदर बेसिक मसाले डालते हैं, फिश का एक अपना टेस्ट होता है जो इसकी मैरिनेशन है, उसके अंदर हम जिंजर गार्लिक मिर्ची हरी मिर्ची और नमक मिर्च नमक लाल मिर्च और क्या बोलते हैं हल्दी डालेंगे ये सब। और जो सबसे इसका मेन इंग्रेडिएंट है सबसे मेन इंग्रेडिएंट वो है क्या बोलते हैं इसको, सरसों जो मिली थी मुझे परसों। तो इसको पहले हम कूटेंगे थोड़ा सा और सिलबट्टे पे, फिर इसका मैरिनेशन कर देंगे मसालों के साथ, थोड़ी देर आधा घंटा वेट करेंगे। आधे घंटे वेट करने के बाद दो तरीके से बनाएंगे, एक थोड़ा सा शैलो फ्राई कम तेल में और दूसरा एयर फ्राई में। छोटे से दौरी डंडे में पीसा जा रहा है, चल पीस ले बेटा, कर ले मेहनत आज। अगला स्टेप है जो हमने ये मैरिनेशन प्रिपेयर करा ना, अच्छा इसके अंदर आपने बताया, मैंने भी नहीं बताया कि हमने इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड किया, मम्मी ने कुछ भुनी हुई मूंगफली रखी थी तो हमने मूंगफली डाली, उससे उसका टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाएगा। प्लस हम इस पहले तो इस मैरिनेशन को हम इसके अंदर डाल देते हैं, फिश के अंदर नींबू डालते हैं मैरिनेशन में, बट हम ठहरे थोड़े अमीरजादे। अमीरजादा तू? अमीरजादे जिसका भाई बहुत कमाता है अमीर हो जाता है। तो हम ठहरे थोड़े अमीरजादे, तो हम बेसिकली इसके अंदर वो नहीं डाल रहे, नींबू नहीं डाल रहे। तो आप पूछेंगे क्या डाल रहे हैं, खटाई हमें चाहिए, तो हम इसके अंदर कश्मीर से आया हुआ हमारा स्पेशल एप्पल साइडर विनेगर, ये थोड़ी खटास भी देगा प्लस मतलब ऐसा कोई एडिड बेनिफिट तो नहीं है, ऐसा कोई मेजर बेनिफिट तो नहीं है, एप्पल साइडर वैसे बहुत अच्छा होता है बट इसका फ्लेवर थोड़ा एनहांस हो जाएगा। तो अब हम इसके साथ जो मैरिनेशन में हम इसके साथ डाल रहे हैं हल्दी, हल्दी डालनी बहुत जरूरी है, बेसिक ये यही तीन मसाले मेन होते हैं, नमक मिर्च और हल्दी। काफी सारी इसके अंदर हरी मिर्च डाली हुई है, लाल मिर्च सिर्फ रंग के लिए, थोड़ा तेज नहीं है, थोड़ा सा नमक, मेरी लाल मिर्च है ना उसकी कलर ही आता है। हाँ, और हल्दी और एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, मेरी शक्ल देखो, और एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मैं मम्मी के हाथों से डलवाऊंगा, मम्मी के शुभ हाथों से, उसका रीजन आपको बाद में बताता हूँ। बता बेटे शुभ हाथों से क्या काम कराने वाला है और क्यों कराने वाला है ये तो बता। आप ये एप्पल साइडर विनेगर है ना, हाँ, ये लो, हाँ, ये आप डालोगे क्योंकि मुझे नहीं पता अगर फिश खराब हुई तो आपके जिम्मे। पागल है क्यों, नींबू ही तो है। नहीं तो आपके हाथों से डल रहा है, अगर खराब हुई तो आपके जिम्मे। ऐसे खराब हुई? कितना डाल रहे हो? ये एक ढक्कन डाल दिया थोड़ा और, थोड़ा सा और, हाँ डेढ़ ढक्कन ज्यादा हो गया थोड़ा। इसमें अच्छा एप्पल के बिट्स भी हैं कश्मीरी। हाँ, मुझे लग रहा था एप्पल के। हाँ। शो जा रही हूँ, बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? रुको, अभी क्या रह गया? मैरिनेशन मिली थी मुझे परसों, जो मिली थी मुझे परसों, ये डालनी बाकी है सरसों। अच्छा चल सरसों डाल फिर। हाँ, तो ये सरसों हमने अंदाजे से अपने अंदाजे से ले ली, वैसे तो मम्मी को जितनी डालो उतनी कम लगती है, स्टिल सरसों का ही तो फ्लेवर होता है। एक किलो मच्छी है तो हमने डाली है चार मोटे चम्मच। मम्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार मोटे चम्मच बोलना। अच्छा। पता है क्यों? अच्छे अच्छे बड़े बड़े शेफ जैसे कि संजीव कपूर, वो भी बोलता है मोटे चम्मच छोटे चम्मच, छोटे चम्मच मोटे चम्मच। हो गया? नहीं, और आप ये देखेंगे कि इस मच्छी को ना मैं हाथों से ऐसे मैरिनेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ कट गए हैं इसके कांटों से। ओहो अच्छा। हाँ, और आपको इसमें मेरे खून का फ्लेवर भी आएगा। पागल हो गया, मैं तो नहीं खाऊंगी फिर बिल्कुल भी। नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। अब तुषार क्या कर रहे हो? मैं इसको कोट कर रहा है सूजी में। हाँ। और इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं बहुत ही थोड़े से सरसों के तेल। दीक्षा को हाय कर रहे हैं, दीक्षा को हाय कर। ये तुषार की फ्रेंड है और हमारी फैमिली फ्रेंड है और वो मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी है ये। एक्सक्यूज मी कभी कभार एक इसकी मम्मी है हमारे स्कूल में टीचर है, आंटी ने कहा कि मेरी मैम ने कहा कि मेरी बेटी को पढ़ा दो प्लीज, तो मैं उनको कैसे मना कर सकता था। अच्छा कैसा पढ़ाया था इसने? इसने जब पढ़ाया था ना, पास हो गई थी, बकवास हो गई हो, बता रही हूँ आगे पढ़ना तू। डेटा हुआ था अपना, इसने वो निकाले बाइसेप्स। दीक्षा ये देख,
मेरे बाइसेप कैसे पास हुई थी फाइनली हमारी फिश रेडी हो गई है और खा के बताएगी दीक्षा। और आप टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है दीक्षा, टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। नमक नमक कम है बाय चांस? शाह जी आप होस्ट बने हो तो आप खिलाओ, मैं आपको प्लेट ला के दूँ। चलो तो शाह जी गुड होस्ट बनो और ट्राई करवाओ, आज आपका इम्तिहान है। यार ये नहीं आता मुझे करना। आप कंटिन्यूस ले लेते हो। अच्छा आपने मसाला डाल दिया। चलो अच्छा अच्छी सच्ची में सच्ची अच्छी भगवान के साथ। सुनने तो दे उसके रिएक्शन तो पता चले मुझे। आंटी वो छोड़ो आलो पालो। सच बता रहे सच बता रही है। आप बताओ कैसी बनी है। Awesome. जितना होना चाहिए ना नमक नमक उतना है। Very nice. नमक कम है। सावर ठीक है। ये नमक उसे फ्लेवर आता है। ये मुझे ना आता है। कैसा है टेस्ट? अच्छा आपको नमक कम लग रहा है? Awesome. आंटी नमक कम लग रहा है? नहीं नहीं नहीं। चल तो शुरू तो पास हो गया। नींबू ने का पप्पू पास हो गया। लेमन। तो फ्रेंड्स रात हो चुकी है काफी, दो बज चुके हैं तो अब मैं भी सोती हूँ। और देखो टुक टुक भी पीछे आके बैठ गई अपने बिस्तर पे, काफ़ी देर से चिल्ला रही थी कि चल सोने चल सोने। और क्योंकि दीक्षा वगैरह को जाते जाते टाइम लग गया तो अब मैं भी आ गई सोने। तो फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।